मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप मेरे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हिमांशी वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ आंवले का तेल बनाना। आंवले का तेल बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए, और घर पे आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। तो आइए सीखते हैं आंवले का तेल, और अगर आप ये तेल लगाएंगे तो आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। ये बालों को स्ट्रेंथन करता है, लंबा करता है, काला करता है, और बालों का झड़ना रोकता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं तेल। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने ये कढ़ाई रख ली है और गैस मैंने ऑन कर दिया है। यहाँ पे मैं पैराशूट का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो और भी किसी तरीके का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सरसों का तेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नारियल का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये वाला प्रिपरेशन आप पूरा सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कैन ले रही हूँ पूरा नारियल के तेल का। अगेन, क्वान्टिटी आप अपने चॉइस के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने 175 ml का ये पैक है जो पूरा खाली कर लिया है नारियल के तेल का, और इसको मैं सिखाऊंगी आपको, क्योंकि अभी देखिए सर्दियाँ चल रही है तो ये जम जाता है नारियल का तेल। तो इसके अंदर मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका ये नारियल का तेल है जो वो जमेगा नहीं फिर। तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। और ये मैंने तेल निकाल लिया है, और इसके बाद मैं इसके अंदर चार आंवले हैं जो ये कद्दूकस करके मैंने रख लिए हैं, मोटा मोटा कद्दूकस कर लिया है, और ये डाल रही हूँ। व्यूवर्स, अगर आपके पास फ्रेश आंवला नहीं हो तो इसमें आप आंवले का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए व्यूवर्स, ये मैंने इसमें आंवला डाल दिया है, और इसको आप मिक्स कर लेंगे। और बिल्कुल ही धीमी आँच रखनी है हमें, आँच बिल्कुल भी इसमें तेज़ नहीं होनी चाहिए। यही एक ट्रिक है जो आपका अच्छे आंवले का तेल बनाएगी। तो देखिए व्यूवर्स, ये मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है, ये फ्राई होना शुरू हो गया है, और बिल्कुल ही धीमी आंच पे हम इसको फ्राई करते जाएंगे। और हमको इसको तब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से चिप्स की जैसे ब्राउन नहीं हो जाते, तल नहीं जाते हैं। क्या होगा व्यूवर्स, जैसे जैसे आपका ये फ्राई होता जाएगा, तेल के अंदर आंवले के जो गुण हैं वो आते जाएंगे, और ये जब पूरी तरह फ्राई हो जाएगा तो आप इसको आंवले को अलग कर लीजिए और तेल को अलग कर लीजिए, तो आपका ये आंवले का तेल रेडी हो जाएगा। बहुत ही इजी प्रिपरेशन है। देखिए, ये हाफ फ्राई हो गया है, अभी हल्का सी ब्राउनिंग आ गई है इस पर, इसको अभी हमें और फ्राई करना है। और बस एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा कि आँच बिल्कुल ही धीमी होनी चाहिए, छोटे बर्नर पर बिल्कुल धीमी आँच पर रखना है हमें इसे। तो देखिए व्यूअर्स, ये अच्छे से ब्राउन हो गया है और कुरकुरा हो गया है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने दूंगी। बिल्कुल एंड तक मत ले जाइएगा, बिल्कुल डार्क ब्राउन तक नहीं ले जाना है हमें इसे। तो देखिए व्यूअर्स, ये ठंडा हो गया है हमारा, और अब इसके अंदर मैं एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल दूंगी। व्यूअर्स, यही वो ट्रिक है जिससे आपका जो नारियल का तेल है वो जमेगा नहीं। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि एक बड़ा चम्मच इसके अंदर जब ये बन जाता है तो इसके अंदर एक सरसों का तेल एक बड़ा चम्मच डाल देती हूँ। इससे मिक्स कर देंगे, इससे क्या होगा कि आपका नारियल का तेल बिल्कुल हार्ड जमेगा नहीं सर्दियों में, और आप अच्छे से अप्लाई कर सकेंगे उसे, बिल्कुल इजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो ये हमने मिक्स कर दिया है, आइए इसको छान लेते हैं। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट ऐसी तरह रखने दीजिए और फिर सुबह छानिए, लेकिन मैं अभी के अभी छान लेती हूँ इसको। और यह हमारा आंवले का तेल बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत ही लंबे टाइम तक ये चल जाएगा। बस ये बात ध्यान रखिए कि आपका जो आंवला है वो अच्छे से फ्राई हो जाना चाहिए, इसमें लिक्विड नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये हमारा आंवले का तेल घर पे बनके तैयार हो गया है। ये आपके बालों को शाइनी बना देगा, लॉन्ग कर देगा, डैंड्रफ कम करेगा, हेयर फॉल को रोकेगा, और अगर आप कंटिन्यू यूज़ करेंगे 5 से 6 महीने तो ये बालों को काला भी कर देता है धीरे धीरे। तो व्यूवर्स, आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।